हम नेक्स्ट एक्टिविटी देख रहे हैं, हिंदी स्वर कार्यपत्रिका, कार्यपत्रिका यानी वर्कशीट। तो से हम तक हमने स्वर पढ़ा दिए और बच्चों को कितना याद है ये इससे, इस एक्टिविटी से पता लग जाएगा। जैसे कि मैंने स्टोरी थ्रू रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि बिल्ली है, घर है, तो बिल्ली अपने घर तक कैसे पहुँचेगी, तो हम उस रास्ते में मैंने क्या लिखा है, अ आ ई ई, तो कहाँ कहाँ पे ब्लैंक है वो हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि बच्चे को कितना याद है ये इससे हमें पता लगेगा और उनको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि हिंदी वर्णमाला ये इंग्लिश से थोड़ा हार्ड रहता है। तो हम स्टार्ट कर रहे अ आ ई ई उ रु ए ए ओ औ अम आहा। ऐसे हम बच्चों के सामने ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्टिविटी। स्वर के थ्रू हमने बिल्ली का घर ढूंढ लिया, ऐसे ऐसे हमारा 2-in-1 काम हो जाएगा और बच्चे को पता भी नहीं लगेगा।